उत्तराखंड के दिनेशपुर में दुर्गा मंदिर में षष्ठाधि कल्पारंभ पूजा और मंगल घट की स्थापना के साथ नवरात्र पर होने वाली 5 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव का आगाज हो गया है। इससे पूर्व महिलाओं ने नगर में कलश यात्रा भी निकाली। गुरुवार को सप्तमी के दिन देवी देवताओं की प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा का विधिवत शुभारंभ होगा। बुधवार को दुर्गा मंदिर प्रांगण में दिनेशपुर दुर्गा पूजा समिति की ओर से आयोजित पूजा महोत्सव में मुख्य असी चक्रवर्ती ने मंगल ध्वनि के बीच मंदिर के दक्षिण पूर्व कोण में स्थित बेल वृक्ष के नीचे मंगल घट की स्थापना के बाद षष्ठाधि कल्पारंभ पूजा संपन्न की है। शाम को आमंत्रण अधिवास के बाद नवपत्रिका की पूजा की जाएगी और शक्ति की देवी को पृथ्वी पर आने का आवाहन किया जाएगा। ये तो हमें बहुत गर्व है कि ऐसी हमारी संस्कृति और सभ्यताओं को हम बचा के रखे हैं और आगे भी ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जितना हो सके माँ से, अपनी अंतरात्मा से जुड़े रहे। और ये 10 दिन जो है, ये पूरी जो है, पूरी पृथ्वी से लेके धरती तक सभी जो है दरवाजे खुले हुए हैं। जिसको जो चाहिए, जिस प्रकार की चाहिए, जो चीज चाहिए, जो भी धन संपत्ति, पुत्र सुख शांति, धन धन ऐश आराम, सारा सब कुछ माँ इस टाइम दरवाजा खोल के बैठी है। जय माँ दुर्गा। आज दुर्गा पूजा का प्रथम दिन है। षष्ठी पूजा का आज उद्घाटन हुआ है। प्रथम हमारा बेल पूजा हमारा किया गया है दुर्गा माँ के मंदिर प्रांगण में। इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए और माँ की पूजा में पूर्ण रूप से माँ की पूजा को संपन्न करें और सभी यहाँ पर हर कार्यों में हाथ कांधे से कांधा मिला के हम लोगों का सहयोग करें और माँ की पूजा को पूर्ण रूप से पूरा करें। घट स्थापना के साथ षष्ठाधि कल्पारंभ होता है और माँ को कैलाश पर्वत से आह्वान करके पृथ्वी लोक पे लाया जाता है माँ के इन 5 दिवसीय पूजा के लिए। और माँ आती हैं और वही इस समय जो है षष्ठाधि कल्पारंभ हुआ है, घट स्थापना हुई है और आज से पूजा का विधिवत रूप से आरंभ हो गया है। माता रानी कैलाश पर्वत को छोड़ के पृथ्वी लोक में आ रही है कि पृथ्वी लोकवासियों का दुख दर्द और कष्ट जो है वो हरने के लिए आ रही है। मैं इस शुभ अवसर पर माँ के श्री चरणों में यही कामना करता हूँ कि इस समय पृथ्वी लोक में मनुष्य के भीतर जो ईर्षा द्वेष और जलन रूपी महिषासुर बैठा हुआ है, विभिन्न तरीके की जो कुरीतियाँ रूपी जो महिषासुर बैठा हुआ है, माँ उन सब का नाश करे और सभी को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे।